वो तेरा काटेंगे देखो शाला सा कहा मेहंदीपुर धाम में हम क्यों जाते हैं अपने संकटों का निवारण करवाने के लिए, तो संकट वहीं पर करते हैं। हनुमान जी इसमें स्पेशलिस्ट माने गए हैं, उसमें स्पेशल हैं। संकट को अगर कटवाना हो, अगर दुख से आप दूर होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हनुमान जी की शरण में जाएं, क्योंकि हनुमान जी ठिकाना दे सकते हैं राम का। आओ दोनों हाथ खोल के बार ताली बजा के दोनों हाथ खड़े करके मैं हनुमान तुम और ये कह रहे हैं कि मैं 50 भक्तों को लेके आऊंगा, ठीक है भैया, प्रॉमिस करके जा रहे हो आप। हाँ आओ, थोड़ा थोड़ा सा भी आगे आ जाएं, क्योंकि जब भक्त कम होते हैं तो हमारे भी नेटवर्क कम काम करते हैं, क्योंकि हमारा भी भजन में मन नहीं लग पाता। क्यों? आप सभी सहयोग करते हैं तो भजन में अच्छा लगता। हाँ जरूर भाव जी, आओ आओ, और दोनों हाथ खोल के गए। ये जो मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर की दीवारों में क्या लगा है? ईंट पत्थर ये चीज लगी है ना? अरे बोलो, किस चीज से बनाया मंदिर? अरे बोलो भाई, ईंट पत्थरों से। मंदिर के अंदर जो प्रतिमा रखी है वो किस चीज की है? अरे प्रतिमा जो रखी गई है वो किस चीज, किस धातु से बनी है? पत्थर का मंदिर हो सकता है, पत्थर की मूर्त हो सकती है, मूर्ति हो सकती है, लेकिन आस्था कभी पत्थर की देखी है? आस्था, विश्वास कभी पत्थर का नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि भक्त को भगवान से जोड़ने के बीच में एक जो तार है वह आस्था का है, श्रद्धा का है। अगर ये तार नहीं होगा तो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। आओ दोनों हाथ खोल के एक बार ताली बजा के सभी गाएं। अरे पत्थर का मंदिर, पत्थर की मूर्त, पत्थर दिल नहीं हो सकता, पत्थर दिल नहीं हो सकता, पत्थर दिल नहीं हो सकता। और बेटा बुलाए बाबा ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते पतेरी बात है यहाँ, कट कटे दिन बात है, कहते
संकट वो तेरा काटे, वो तो संकट के काटे के सारे हैं। हमने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, भक्तों के संतों का निवारण कैसे कर लेते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये राम के नाम का प्रताप ही अपने आप होता चला जाता है, ये अपने आप होता चला जाता है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। कि करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा तो नाम हो रहा है, करते आप हो, मेरा तो सिर्फ नाम हो रहा है। आओ, जब हनुमान जी से हमने ये बात पूछी तो हनुमान जी ने कहा कि ये सिर्फ मेरी माँ का नाम है और ये मेरे राम का नाम है, ये अपने आप हो रहा है। जगमग जगमग ज्योत जगे है, 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 चरणों में गंगा की धारा हमारी, हरा सजावे तेरा द्वार हमारी, हरा सजावे तेरा द्वार हमारी, हरा सजावे तेरा द्वार हमारी, तेरे भक्तों की हो, तेरे भक्तों की हो, तेरे भक्तों की लगी है कतार हमारी, हरा सजावे तेरा द्वार हमारी, हरा सजावे तेरा द्वार हमारी। देखो अगर भगवान अच्छा लग रहा है, आप सभी को ये दरबार अच्छा लग रहा है और सुंदर लग रहा है, तो दोनों हाथ खड़े करके एक बार ताली जरूर बजाना। भाई बजा लो ना ताली, मेरे लिए मत बजाना, अपने लिए मत बजाना, आपके हृदय में जो उमंग लहर रही है, लहर रही है, जो आपके अंदर जो खुशी जाहिर हो रही है, वो दोनों हाथ खड़े करके अपनी खुशी के लिए, अपनी आत्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए दोनों हाथ खड़े करके एक बार ताली बजा के। ओ प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, 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 लाल फूल होए हाथ हमारे, प्यारा सजा तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा तेरा द्वार भवानी। सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, रूप का रूप पधार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, हम सबको है तेरा सहारा, 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 अरे कर दो सबका बेड़ा पार भवानी, न्यारा सजा है तेरा, न्यारा सजा है तेरा प्यार भवानी, बड़ा प्यारा। देखो बाबूजी का गला है बेस का, और गाने वालों के जो गले होते हैं उनमें बेस होना चाहिए, बेस अगर नहीं है तो गायकी नहीं हो सकती कभी भी, ऐसा संगीत में बताया गया है कि गले के अंदर बेस होना जरूरी है, इस उम्र में इतना बेस है ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बेस खत्म हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गले का बेस जो वजन है गले का वो खत्म हो जाता है। आओ दोनों हाथ खोल के बार ताली बजा के और सभी गाएं मिलकर, प्यारा सजा है तेरा बड़ा न्यारा सजा है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर जितने भी 2, 4, 10, 15, 20, 50 भक्त बैठे हैं, यहाँ पर कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने नवरात्रों में अपने घर में माँ की ज्योति जगाई है? सभी ने जगाई है।
और सब व्रत रखे हैं? आपने भी व्रत रखा है? नहीं, आपने व्रत रखा? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे रखे हैं? सारे दो रखे हैं, पहला भाग सके लास्ट है ना। और यहाँ से आप कितने? नौ नौ। आपने पहला आखिरी और नौ, और नौ वाले कितने? नौ। आपने आपने भी। तो ये जो नौ व्रत रखे हैं ये बिना पानी के रखे हैं ना? पानी नहीं, नौ दिन पानी नहीं पीना। भाई पानी तो पीना पड़ेगा, चाहे लौंग का जोड़ा भी ना हो, लेकिन पानी तो बिल्कुल, बिना पानी के तो भाई दो चार छह घंटे तो कट जाएंगे, उसके बाद तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। बिना पानी के नहीं रहा जा सकता। और कुछ भगत ऐसे भी हैं कि जो पानी और लौंग के जोड़े पर ही रहते, मैंने ऐसे भी भगत देखे हैं। आइए चलते हैं, जब नवरात्रि चल रहे हैं और माँ की बात चल रही, नौ देवियों की बात चल रही, नवरात्रों की बात चल रही है, तो आइए हम सभी मिलकर नवरात्रों का भजन शुरू करते हैं। हाँ जी गणराज जी, आओ। बड़ी प्यारी रचना है, सभी ने सुनी भी होगी और किसी ने सुनी भी नहीं होगी शायद। जिसने नहीं सुनी है उसको आनंद आएगा, जिसने सुनी है उसको बहुत आनंद आएगा। कि मैया नवरात्रों में जब धरती पर आती है, गौरी शंकर मंदिर में आती, भक्तों के मन मंदिर में आती है, फिर इसको क्या क्या देना है ये सोच समझ के आती है। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रों की भेंट, नौ देवियों का भजन, नौ देवियों की भेंट गाते हैं। और कौन से नवरात्र में किसको कौन सा फल, कौन सा आशीर्वाद मिलता है, इस भजन के माध्यम से हम सभी सीखेंगे, सुनेंगे। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, आप बैठे ना आप लोग, शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके घर में नवरात्रों में मां की ज्योति ना जगे। नहीं तो हर घर में मां के नाम की ज्योत जगती है। जब हर घर में मां के नाम की ज्योत जगती है, तो उस घर का एक ना एक प्राणी, एक ना एक सदस्य मां के नाम का व्रत भी जरूर रखता है। जब मां के बच्चे मां के नाम का व्रत रखते हैं, तो मां को अपनी जिम्मेदारी, अपनी ममता का एहसास होता है। मां भागी 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 से भक्तों के घर में आ रही है। लेकिन अपने साथ एक डायरी लेके आइए, नोटबुक, जिसके अंदर बहुत सी बातें नोट करी कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करके इसकी जोत जगाई है। एक माँ ने कहा कि बेटा बहुत समय हो गया तड़के वाली मैंने सब्जी नहीं खाई, एक काम करना बाजार जा रहे हो, 100 ग्राम सरसों का तेल ले आना, मैं तड़का लगा के सब्जी के साथ 2 रोटियां खाना चाहती हूँ, बहुत समय हो गया, गरीब परिवार है। तो उस लड़के का जवाब सुना, उस लड़के ने चुप बैठ गया, 100 ग्राम सरसों के तेल की बात करती हूँ, अरे तुम्हें पता नहीं है समाज में कितनी मेरी इज्जत है, वहां पर 5 कनस्तर देसी घी के देने के लिए मैंने कहा है भंडारे में, एक दिन बिना तड़के के नहीं रह सकती है। तो एक बात बताना, माँ का दिल दुखाने के बाद अगर इसकी जोत जगाई तो सही जगाई है, गलत जगाई? गलत जगाई। खेत के अंदर अगर हमने बबूल के बीज बोए हैं, एक खेत के अंदर अगर हमने कांटे बोए हैं, बबूल बोए हैं, तो जो फसल पक के तैयार होगी वो बबूल की होगी, ना कि आम की। जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा। पूजा पाठ करके उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी कोई काम करें, जब भी किसी से दो शब्द बोलें, तो 1000 बार सोच लें इसका रिएक्शन क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या बन के निकलेगा। अगर अच्छा लगे तो बोल दो, लगता है कि ये गलत है तो उसको अंदर ही रख लें। बोले सांची दरबार की, तो शुरू करते हैं किस प्रकार माँ सबको दर्शन दे रहे हैं और सबको आशीर्वाद देती है। जब धरती पे आती है मैया नवरात्रों में, जब धरती पर आती है, फिर किसको क्या देना है मैया, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है। भजन अच्छा लग रहा है? ताली का समय आएगा मेरे भाई, ताली बजाने का समय आएगा, ठीक है? हाँ, सभी मिलकर गाएंगे। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, बोलिए मैया नवरात्रों
आते फिर किसको क्या देना है ओ मैया, किसको क्या देना है, ये तो सोच के आते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, पहले नवरात्रि से लेकर नौवीं तक माँ के अलग अलग दिन हैं। दसवां दिन है माँ की विदाई का, विदाई का सलीका, विदाई का सबूर। घर में कोई मेहमान आए तो कैसे विदा करें, घर से जब बेटी की विदाई हो या बहन की विदाई हो तो कैसे विदाई करें, इसका सलीका इसका सबूर हम भजन लेखक जिसने भजन लिखा है उससे सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। और जो बर्तन होता है जिसके ऊपर रोटी बनाई जाती है सेकी जाती है उसको हमारे यहाँ तो तवा कहा जाता है, आपके यहाँ से देखिए तवा ही कहा जाता है। और हमारे घरों में जो तवा होता है रोटी जब डाली जाती है उसके ऊपर सेकने के लिए, तो तवा उल्टा होता है या सीधा? सीधा। तो हमारे इस सनातन धर्म में जो भी काम होते हैं वो सीधे तरीके से होते हैं। आओ पहला नवरात्र चालू करते हैं, दोनों हाथ भी सीधे कर लेना और ताली बजा के माँ का स्वागत करेंगे पहले नवरात्र में। भाई मैंने पहले भी कहा कि कछुए वाले हाथ नहीं, ऐसे हाथ कछुए के होते हैं। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करें और ताली बजा के पहले नवरात्र में माँ सबकी खबर देती है। बड़ा